राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार कड़े प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी तेजी से जारी है। इसी बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि दिल्ली में रोजाना 1,00,000 वैक्सीन डोज लग रही है। लगभग 100 स्कूलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही है। इसको 300 तक लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे यहाँ वैक्सीन की बहुत कमी है। उन्होंने केंद्र से मांग करते हुए कहा कि अगर हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान खूब जोर शोर से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब से 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है, मैं खुद कई जगह देख के आया, स्कूलों के अंदर ये टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है और हमारे युवाओं में खासकर जबरदस्त उत्साह है। खूब युवा आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। जो सरकार ने व्यवस्था की है, अरेंजमेंट्स किए हैं, उसको लेके भी लोग बहुत खुश हैं। लगभग 100 स्कूलों के अंदर अभी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है और इसको अब हम बढ़ा के 3 गुना करने जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर लगभग 300 से 300 स्कूलों के अंदर हम ये व्यवस्था कर देंगे। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1,00,000 वैक्सीन डेली लग रहे हैं, 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग 50,000 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। तो मोटे मोटे तौर पे 1,00,000 इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहे हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके, फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुड़गांव से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं और उन्हें भी दिल्ली के अंदर की व्यवस्था बहुत पसंद आ रही है। लेकिन आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर दिल्ली, पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिए, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। बहुत ही मोटे मोटे तौर पे 1 करोड़ लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं, 50,00,000 लोग 18 साल से कम उम्र के हैं, 50,00,000 लोग 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तो 1 करोड़, 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए, 50,00,000 लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40,00,000 के करीब वैक्सीन मिले हैं, तो 2,60,00,000 वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2,60,00,000 वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85,00,000, 80 से 85,00,000 वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। 80-85,00,000 वैक्सीन हर महीने लगाने के लिए डेली 3,00,000 वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। आज हम 1,00,000 वैक्सीन ऑलरेडी लगा रहे हैं 100 स्कूलों में, इसको जैसा मैंने बताया 300 स्कूल करने जा रहे हैं हम लोग, तो हम अपनी कैपेसिटी 3,00,000 वैक्सीन पर डे बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जबकि हमने व्यवस्था शुरू कर ली है, हमें पता है कि कैसे करनी है और अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं,
तो 3 लाख वैक्सीन पर डे हम लगा सकते हैं, दिल्ली सरकार लगा सकती है, आज की डेट में भी 1 लाख लगा रहे हैं। अगर हमें समुचित 80-85 लाख वैक्सीन पर मंथ मिल जाएं तो हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यहाँ इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी, जैसा मैंने बताया कि पूरे NCR रीजन से, गुड़गांव से, नोएडा से, गाज़ियाबाद से, फरीदाबाद से, आसपास के सभी इलाकों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो जितना मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कम से कम इतनी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी पड़ेगी। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। पिछले कुछ दिनों से हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है एक तरह से, कि थर्ड वेव भी आ सकती है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है, लोग भी बड़े चिंतित हैं कि पहली और दूसरी, ये दूसरी वेव तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा। तो तीसरी वेव से भी अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरी दिल्ली को अपने को वैक्सीनेशन कर लिया तो यही एक चीज़ है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है, यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है। तो उस दिशा में आपकी सरकार, दिल्ली सरकार, पूरे प्रयास कर रही है और हमें केंद्र सरकार से, जैसे केंद्र सरकार अभी तक मदद करती आई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसमें भी मदद करेगी। हमें खास तौर से बच्चों की बड़ी चिंता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी, युवाओं को, बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकता। मेरा सभी एक्सपर्ट्स से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लगाई जा सके। आज की डेट में हमारे पास 5 से 6 दिन की वैक्सीन दिल्ली में बची है जो कि हम पूरी तेज़ी से लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उचित मात्रा में दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की, मजदूरों को पिछले साल का लॉकडाउन याद आ गया कि कैसे भूखे प्यासे महीने भर पैदल चलकर घर पहुंचे थे। लेकिन राज्य सरकार ने इस बार लॉकडाउन में रेलवे सेवाओं को बाधित नहीं किया और मजदूरों से आग्रह किया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें असुविधा नहीं होगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने मजदूरों के खातों में 5,000-5,000 रुपए डालने का भी ऐलान किया। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जैसे तैसे अपने गांवों की तरफ निकल पड़े और जो लोग यहां ऑटो टैक्सी चलाने वाले हैं या जो लोग कूली का काम करते हैं, उन्हें इन दिनों लॉकडाउन के चलते सवारियां भी कम मिल रही हैं। ऐसे में कोरोना और लॉकडाउन का असर गरीब जनता के हालात को और बुरा कर रहा है। क्या स्थिति है, यात्रियों की संख्या बहुत कम देख रहा हूँ, आप लोग खुली है, क्या स्थिति है कोरोना काल में महानगर दिल्ली स्टेशन का, थोड़ा बताएं। स्थिति क्या बताएं, वो ये कि गरीब तबके के लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, जो बेचारे रोज खाते हैं कमाते हैं, क्या स्थिति है। बस ये सब जगह लॉकडाउन हुआ हुआ है, इस वक्त सन्नाटा है, काम बिल्कुल नहीं मिल रहा। काम है लेकिन गरीब लोग बेचारे रास्ते के लिए पैसे बचा लें, घर के लिए ले जाएं 2 पैसे बचा करके यहाँ पर कुछ कर लें, क्या करेंगे। ये साकिब है, ये कुली का कारोबार करते हैं, हमारे साथ एक और सज्जन है, आपका शुभ नाम? विद्याराम पांडे। कैसी स्थिति है यहाँ की बताएं, कोरोना का पहला फेज में काफी लोग पलायन कर चुके थे, स्थिति बुरी थी और ये तीसरी लहर के बारे में लोग कह रहे हैं कि काफी खतरनाक है, तो स्थिति में स्टेशन का क्या हिसाब किताब है, क्या माजरा है बताएं। स्टेशन पे सब लोग सर जाने लिए, घर के लिए सब परेशान है और घर जाने के लिए सब हमेशा आते जाते रहते हैं। अभी मान लीजिए कि अधिक तो पब्लिक भाग चुकी है डर की वजह से, अब कम ही लोग रह गए हैं। तो पांडे जी का कहना है कि बहुत ही कम लोग रह चुके हैं, कारोबार बिल्कुल ही बहुत कम चल रहा है, ऑटो चालक से लेकर के देखिए खीरा का यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, आने जाने वाले जो यात्री हैं उन्हें खीरा मुहैया हो सके, और इस प्रकार से स्थिति बदली बदली हुई सी है। मेरे साथ ऑटो चालक है, थोड़ा इनसे भी पूछते हैं, तो आपा की ऑटो कैसा चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू है? ऑटो यही किए हैं जो मिल रहा है, वो चलाना भी बहुत कम आगे चल रहा है, हमारे इतना तो नहीं जीरो। तो लोग तो गांव की ओर जा रहे हैं ना, सारे गांव की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली खाली हो जाएगा क्या? खाली तो है, खाली होने में रहेगा। इस प्रकार से इनका कहना है कि लोग गांव की ओर कूच कर रहे हैं, डरे सहमे हैं लोग, और यह नज़ारा मैं आपको नई दिल्ली
स्टेशन का दिखा रहा हूँ, बिल्कुल खाली खाली सा मंजर है, सन्नाटा का आलम है। एक और ऑटो चालक हमारे साथ हैं। तो राकेश जी, क्या स्थिति है वर्तमान में? कर्फ्यू है, कोरोना काल में क्या स्थिति है बताएं? इस साल दिल्ली में ज़्यादा ही हो गया सर, बहुत ज़्यादा हो गया महामारी, बहुत ज़्यादा हो गया। क्या तो आप भी बचे, लोगों को भी बचाएं? हाँ, ये तो सवारी केजरीवाल जी ने दो अलग कर रखी है, काम है नहीं बिल्कुल, ऑटो का गाड़ी निकालना मुश्किल पड़ रहा है, क्या करें। बहुत ही दुखद स्थिति है, इनका दिहाड़ी भी नहीं निकल पा रहा है और तमाम ऑटो चालक खाली ऑटो लेकर ही घूम रहे हैं, क्या स्थिति है बताएं? बुरा हाल है जी, भूख मरने के टाइम आ गया, काम धंधा है। दिल्ली सरकार ने तो 5,000 रुपए की घोषणा की है। हाँ, उसकी तो घोषणा की है, वो तो शायद मिल जाएंगी। और केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार क्या कर सकती है, क्या आप मांग करेंगे सरकार, दोनों सरकार से? कोई फायदा नहीं मांग करने का, वो कुछ नहीं देंगे। तो देखिए, इन्हें सरकार पर से विश्वास उठ चुका है, कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है डिमांड करने से। कोरोना का कहर और यह नरेला में मैं अभी हूँ और यह देखिए बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और कोरोना के कहर से लोग भयभीत हैं। आम दिनों की तरह लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और यहाँ कर्फ्यू भी लगा हुआ है। और आप यह देखें, अनाज मंडी है सामने, यहाँ कभी किसानों की भीड़ लगी रहती थी और आज बिल्कुल नज़ारा बदला सा है। वीरानगी का मंजर सन्नाटा से पसरा, नरेला में भी लोग काफ़ी भयभीत हैं और आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ही लोग निकल रहे हैं घर से। और दुकानदारों का भी बुरा हाल है, दुकानदार की दुकानदारी नहीं चल रही है। आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र। राजेंद्र जी, कितने दिनों से यहाँ दुकान करते हैं, क्या स्थिति है बताएं? स्थिति तो भाव जी गंभीर ही है, हमें तो यहाँ कम से कम 39 साल हो गए हैं। तो अभी कैसा माहौल चल रहा है नरेला का? अभी तो जी बहुत ही सावधानी बरते हुए हैं लोग, बाहर घरों से बहुत ही कम निकल रहे हैं, जो जरूरत है जब ही निकल रहे हैं। तो आप भी बचे, लोगों को भी बचाए और आपने मास्क लगाया है, बहुत ही अच्छी बात है। हम तो जी सभी को संबोधित करते हैं, भाई अपनी सावधानी अपने आप बरतोगे तो फायदा रहेगा। देखो, दूसरा तो कोई नहीं आएगा सर, दूसरा तो कह ही सकता है, मानोगे ना? ये माने अपनी मर्जी से कोई बेवकूफ़ी करेगा तो फिर बात बेकार है। बहुत अच्छी बात है राजेंद्र जी, और आप बचे खुद भी और लोगों को भी बचाए। 2 गज की दूरी, मास्क बहुत है जरूरी। ये राजेंद्र जी की फल की दुकान है, तो राजेंद्र जी बिक्री तो बहुत कम हो रही होगी, 50% से भी कम हो रही है। वही बात है, देखो मजबूरी में ही जो दिक्कत में है वही लेके जा रहे हैं, अब खुशी में तो खाने के लिए तो कुछ और हिसाब होते हैं। और अब गंभीरता से तो बाबू जी वही बात है कि भाई घर में कोई पेशेंट बन गया तो ले जाना पड़ेगा। सही बात, ठीक है। इस तरह से इस गर्मी काल में नारियल का पानी लोग भी पीते थे और ये नारियल बेचते हैं यहाँ। आपका शुभ नाम क्या है? सुरेश। तो सुरेश जी, कोरोना का क्या स्थिति है नरेला में? बहुत ही स्थिति क्या है, यही है कि जिसको जो भी जरूरत होती वही लेने आता है और बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। आपकी बिक्री पे भी असर पड़ा है? बहुत है। तो इनके भी बिक्री पे असर पड़ा है और ये अनाज मंडी है और ये नरेला की मुख्य सड़क है जो सीधी बस स्टैंड की ओर जाती है। मैं मीर कुमार झा नरेला अनाज मंडी के समीप से आप सम्मानित दर्शकों को यह नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप भी अपने घर में रहें, अकारण घर से बाहर न निकलें, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत है जरूरी।